हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 12th लेसन अपना स्टार्ट हो गया था और इसकी अपन दो वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर अपने क्या देखा था बच्चों? एकाधिकार बाजार। और सेकेंड वीडियो के अंदर अपने देखा था एकाधिकारात्मक बाजार। आज अपन अपूर्ण प्रतियोगिता का जो दूसरा रूप है, पहला रूप तो क्या था? एकाधिकारात्मक। और सेकेंड टाइप है अल्पाधिकार। तो आज अपन बात करेंगे अल्पाधिकार की। बच्चों, अपन ने पहले भी बात करी थी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एकाधिकारात्मक में फर्मों की संख्या अधिक थी, लेकिन अल्पाधिकार के अंदर फर्मों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अने तो अल्पाधिकार बाजार की वह दशा है जहाँ पर फर्मों की संख्या कम होती है लेकिन उनका आकार बड़ा होता है। इस वजह से प्रत्येक फर्म संपूर्ण उत्पादन का बहुत अधिक अंश बनाती है। तो बाजार की वह दशा जिसमें फर्मों की संख्या कम हो लेकिन उनका आकार बड़ा हो और प्रत्येक फर्म उत्पादन का बहुत बड़ा भाग बनाती हो, ऐसे बाजार को अपन अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार के अंदर भी मैंने क्या करा है, आपको बता तो दिया है कि बहुत कम संख्या है लेकिन फर्म बड़ी है और प्रत्येक फर्म क्या कर रही है, उत्पादन का बहुत बड़ा भाग बना रही है। लेकिन हमने अल्पाधिकार बाजार को भी फिर आगे पांच भागों में बांट दिया बच्चों। वस्तु विभेद के आधार पर, सहमति के आधार पर, प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर, समन्वय के आधार पर और कीमत के नेतृत्व के आधार पर। तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, पांचों के नाम याद कर लीजिए। सबसे पहला वस्तु विभेद के आधार पर, दूसरा सहमति के आधार पर, प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर, समन्वय के आधार पर और कीमत के नेतृत्व के आधार पर। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि वस्तु विभेद के आधार पर अल्पाधिकार बाजार को दो भागों में बांटते हैं, पूर्ण अल्पाधिकार और अपूर्ण अल्पाधिकार। बच्चों, जो अल्पाधिकार बाजार होता है वहां पर फर्मों की संख्या अधिक कम लेकिन आकार बड़ा के साथ साथ एक बात और भी है कि फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन भी करती है और विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन भी करती है। तो इसी आधार पर यदि फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है तो हम उसको कहेंगे पूर्ण अल्पाधिकार बाजार, लेकिन फर्में यदि विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण अल्पाधिकार। हो गया क्लियर? अब हम आते हैं सहमति के आधार पर। तो बच्चों, सहमति के आधार पर अल्पाधिकार बाजार के दो रूप हैं, कपट संघाई और गैर कपट संघाई। कपट संघाई का मतलब होता है जब फर्में आपस में मिल करके और कीमतों का निर्धारण कर ले, एक समझौता कर ले कि हाँ हमें ये कीमत रखनी है, तो उसको कहेंगे कपट संघाई अल्पाधिकार बाजार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सभी फर्मों का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है, समझौता नहीं हो पाता है और सभी अपनी मनमर्जी करते और कीमत का निर्धारण नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं गैर कपट संघाई। ठीक है, तो हमने सहमति के आधार पर कपट संघाई अल्पाधिकार बाजार और गैर कपट अल्पाधिकार बाजार पढ़ा। अब अल्पाधिकार बाजार का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अल्पाधिकार के अंदर फर्मों की संख्या कम तो होती है लेकिन फर्मों का आकार बड़ा होता है। तो कभी कभी तो क्या होता है, प्रवेश जो फर्में होती है, नई फर्मों को यदि उद्योग में प्रवेश करना है तो इजीली प्रवेश कर जाती है, तब तो हमें कहेंगे कि खुला अल्पाधिकार बाजार है जहाँ पर कोई भी फर्म आराम से प्रवेश कर रही है और नहीं जम रहा है तो वापस भी निकल रही है, बहिर्गमन भी कर रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस बाजार के अंदर जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो फर्म है, क्योंकि आकार थोड़ा छोटा बड़ा तो होगा ही सही, तो उनको प्रवेश करने में बड़ी तकलीफ आती है, प्रवेश करने के अंदर रुकावटें आती है। तो ऐसा अल्पाधिकार बाजार जहाँ पर प्रवेश करने का स्वतंत्रता हो, बहुत इजीली प्रवेश कर पाती है, तो उसे हम खुला अल्पाधिकार कहते हैं। लेकिन अल्पाधिकार की वह दशा जहाँ पर फर्मों को प्रवेश करने में रुकावटें आ रही है तो बच्चों उसे हम कहेंगे बंद अल्पाधिकार। तो ये तीन प्रकार हो गए। चौथा प्रकार है समन्वय के आधार पर। बच्चों, समन्वय के आधार पर दो भागों में बांटा है, व्यवसाय संघ और संगठित संघ। व्यवसाय संघ का ये मतलब होता है कि फर्मों का एक लीडर होता है, जो बड़ी फर्म होती है वो लीडरशिप करती है, केंद्रीय अपन कहते हैं ना केंद्रीय नेतृत्व होता है, यानी सबसे ऊपर क्या होती है, बड़ी फर्म होती है जो कीमत वगैरह का निर्धारण कर लेती है और वो सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में रखती है, तो जो अन्य छोटी फर्में होती है वो उसको फॉलो करती है और इस तरह से सारा सिस्टम चलता है, तब तो हम कहेंगे व्यवसाय संघ अल्पाधिकार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फर्में आपस में मिलकर के एक संगठन बना लेती है, उसमें से कोई बड़ी छोटी नहीं होती, मतलब अपना लीडर किसी को नहीं बनाती है, और जब सभी इक्वल साइज की, इक्वल एबिलिटी की फर्में आपस में मिलकर के एक समूह बना लेती है तो उसे कहते हैं संगठित संघ। और संगठित संघ की सभी फर्में आपस में मिलजुल कर निर्णय लेती है और सारा कार्य चलता है। तो समन्वय के आधार पर हो गया व्यवसाय संघ जिसमें एक केंद्रीय फर्म होती है और जो बड़ी फर्में लीडरशिप करती है और उसको सब
फॉलो करते हैं, बट इन संगठित संघ उसमें सभी फर्में का इक्वल अधिकार होता है और सब आपस में मिलकर के अपना कामकाज करती है। अब आता है कीमत के नेतृत्व के आधार पर। तो समन्वय और कीमत के नेतृत्व में माइनर डिफरेंस है। कीमत के नेतृत्व में भी आंशिक अल्पाधिकार और पूर्ण अल्पाधिकार। आंशिक अल्पाधिकार में क्या होता है बच्चों कि एक केंद्रीय फर्म होती है जो लीडरशिप करती है, वो बड़ी होती है और वही कीमत का निर्धारण करती है। यहाँ पर बात सिर्फ कीमत के ऊपर कर रहे हैं, तो वही कीमत का निर्धारण कर लेगी और अन्य छोटी फर्में क्या करेगी, उसने जो कीमत रखी है उसी को उसको रखनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ फर्में इस चीज को फॉलो ना करके पूर्ण अल्पाधिकार रखती है, मतलब वो क्या करती है, आपस के अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं, सब अपनी मनमर्जी करते हैं और एक दूसरे को देख करके कीमत को कम ज्यादा करते हैं। जैसे एक फर्म ने कीमत कम करी, उसको देख करके दूसरी भी कीमत कम करेगी, एक फर्म ने कीमत बढ़ाई तो उसको देख करके दूसरी भी कीमत बढ़ाएगी, तब हम उसको कहते हैं पूर्ण अल्पाधिकार। तो बच्चों अभी तक अपन ने क्या देख रहे हैं, अल्पाधिकार क्या है, बाजार की वह दशा जहां पर फर्मों की संख्या कम हो लेकिन उनका आकार बड़ा हो, वो समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हो, तो ऐसे बाजार की दशा को अपन कहते हैं अल्पाधिकार बाजार। और उसको पांच भागों में बांट दिया था अपन ने, वस्तु विभेद, सहमति, प्रवेश करने की स्वतंत्रता, समन्वय और कीमत के नेतृत्व के आधार पर, और फिर उसको आगे भी अपन ने इसको बांट दिया। अब बच्चों अपन अल्पाधिकार बाजार की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसा कि पहले ही कह दिया कि ये समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं। जब समरूप वस्तु का निर्माण कहते हैं तो उसे हम पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं, लेकिन जब विभेदीकृत वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे हम अपूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। संख्या कम लेकिन प्रत्येक फर्म अधिक उत्पादन करेगी और उसका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा। बात अपन ने पहले करी कि इसमें संख्या तो कम होती है फर्मों की, पर उसका आकार बहुत बड़ा होता है, जिससे प्रत्येक फर्म उत्पादन का बहुत बड़ा भाग उत्पादित करती है, प्लस उसका दूसरी फर्मों के ऊपर प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। वो यदि अपनी कीमत को कम ज्यादा करती है तो अन्य फर्में उसको देख करके अपनी कीमत को कम ज्यादा कर सकती है। विक्रय लागत अधिक, जहां पर संख्या कम होगी है ना और फर्म का आकार बड़ा होगा तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा तो फर्में क्या करती है, विज्ञापन करती है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज के ऊपर पैसा खर्च करती है, जिससे उसकी विक्रय लागत बढ़ जाती है। लेकिन विज्ञापन भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो फर्में समरूप और समरूप वस्तु का निर्माण कर रही है तो जो क्रेता है, ग्राहक है, उनको अट्रैक्टिव करना भी बहुत जरूरी है, तो वो विज्ञापन के सहारे उनकी मनोदशा को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके और उनको अपने सामान के प्रति आकर्षित करती है। तो ये होती है विक्रय लागत अधिक। और क्योंकि वैसे भी इसमें स्टील, वाहन, एल्यूमिनियम, इसे बड़े बड़े उद्योग आते हैं, जो ब्रांडेड आइटम होती है वही इसके अंदर आती है, तो एडवर्टाइज का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। अब होता है परस्पर निर्भरता। क्योंकि फर्मों की संख्या कम है, आकार बड़ा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कीमत के अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे को देख करके बदलना ये चाहते हैं। और मांग वक्र होता है इसके अंदर, क्योंकि मांग वक्र कैसा होता है इसके अंदर, अपन ने 10 चैप्टर में पढ़ा था कि अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र विकुंचित होता है। क्यों विकुंचित होता है बच्चों, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जैसे एक फर्म है, उसने अपनी कीमत लाभ बढ़ाने के लिए क्या करा, उसने अपनी कीमत को बढ़ाया, तो दूसरी फर्म ने भी क्या करा, कीमत को बढ़ा दिया। अब उसने क्या करा, वापस से पहली फर्म ने अपनी कीमत को कम किया ताकि अधिक क्रेता उसके पास आए, तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, अपनी कीमत को कम करेगी। तो ऐसा करने से तो क्या होगा कि उसका तो बिजनेस ठप होने लगा ना, उसको तो लाभ कम होने लगेगा, तो फिर ऐसा होने की वजह से क्या करता है, उसका मांग वक्र विकुंचित होता है। जैसे उसने कीमत बढ़ाई तो उसकी लोच बढ़ गई, और कीमत कम करी तो वो बेलोच हो गया, तो मांग वक्र विकुंचित हो जाता है, इसलिए कीमत दृढ़ता पाई जाती है। समझने की कोशिश करना बच्चों, क्या होता है कि इसमें प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे फर्म एक दूसरे को देख करके कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव करते हैं। एक फर्म अपनी कीमत बढ़ाती है तो मांग वक्र लोचदार हो जाता है, और दूसरी फर्म भी फिर कीमत बढ़ाती है ना, और यदि ये अपनी कीमत को कम करता है तो दूसरी फर्म भी अपनी कीमत को कम करके और वापस जो ग्राहक है, क्रेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जो फर्में होती है वो कीमत के अंदर उतार चढ़ाव करने के लिए उसमें पक्ष में नहीं रहती है, और कीमत दृढ़ता पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि अल्पाधिकार वास्तव में प्रतियोगिता, जो वास्तविक प्रतियोगिता किसमें पाई जाती है, अल्पाधिकार के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, फर्मों की संख्या कम है, वो कीमत दृढ़ता पाई जाती है, और मांग वक्र विकुंचित होता है। और विकुंचित होने का यही कारण है कि जो फर्में होती है वो कीमत को कम ज्यादा करने के अंदर बहुत तकलीफ है, उनको कीमत कम ज्यादा करते ही मांग वक्र बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसमें कीमत दृढ़ता पाई जाती है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें मांग वक्र किस प्रकार विकुंचित होता है। ये आपका जीरो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष,
कीमत और यहाँ पर उत्पादन या बिक्री मात्रा। तो इसमें क्या होता है, जब कीमत को बढ़ाते हैं तो ये लोचदार हो जाता है और कीमत को कम करो तो ये क्या हो जाता है, बेलोचदार हो जाता है। तो जो इसका जो मांग वक्र लोचदार और बेलोचदार, तो फाइनली इसमें क्या होता है कि जब कीमत अधिक थी तो ये लोचदार था, जब कीमत अधिक है तो ये लोचदार है और कीमत कम है तो बेलोचदार है। तो ये तो आपका हो गया बेलोचदार। बेलोचदार कब होगा, जब कीमत कम होगी। इसको ध्यान से देख लीजिए, जब कीमत कम होगी तो बेलोचदार हो जाएगा और कीमत अधिक होगी तो लोचदार। तो ये आपका लोचदार है जो कि कीमत बढ़ने पर होता है। अब क्या होता है कि तो मांग वक्र इस तरह से यहाँ से आता हुआ यहाँ पर विकुंचित हो जाता है, ये इसका विकुंचन वाला बिंदु है। तो अल्पाधिकार बाजार में अपना मांग वक्र इस तरह से होता है। तो बच्चों 12th चैप्टर का थर्ड वीडियो के अंदर अपन ने अल्पाधिकार बाजार को बहुत अच्छे समझा, उसके पांचों प्रकारों को देखा और उसके अंदर भी उसको विस्तृत अध्ययन किया, साथ में इसकी विशेषताओं को भी देख लिया। बच्चों अल्पाधिकार के साथ ही अपना 12th चैप्टर भी अब फिनिश हो गया है। तो 1 से 12 लेसन अपने बहुत अच्छे से हो गए, हर लेसन के लगभग 3 से 4 वीडियो बनाई है और हर वीडियो 13-14 मिनट की है। तो बच्चों मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है रिवाइंड करके देखिए और उसके स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जूम करके देखिए और वीडियो के बाद में जो मैंने फोटो अपलोड किए उससे अपने नोट जरूर बनाते रहिए ताकि परीक्षा के अंदर आपको एंड टाइम पे बहुत सुविधा हो जाएगी। तो अब अपन 13th चैप्टर के समय फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।